शाहजहांपुर से अगली खबर है, जहां पर सपा पूर्व विधायक की बिल्डिंग पर चला है बुलडोजर। रोशन लाल वर्मा की सरकारी जमीन पर बनी थी बिल्डिंग। विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी थे रोशन लाल। चार दिन पहले हुई थी जमीन की नाप। शाहजहांपुर के थाना निगोही का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर पूर्व एसपी विधायक के ऊपर एक कार्रवाई हुई है। आपको जानकारी दें कि विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी थे रोशन लाल, और आप ये देख पा रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर जो है यहां पर चला है। चार दिन पहले हुई थी जमीन की नाप, और ये मालूम पड़ा इस नाप में कि अवैध तरीके से यहां पर ये जो दुकानें हैं ये बनाई गई हैं, और इसी पर कार्रवाई की गई है। तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर मौके पर पहुंचा और कार्रवाई जो है वो शुरू की गई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत शुक्ला जुड़ी हुई हैं। सुशांत, लगातार कार्रवाई जारी है, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई है, बुलडोजर की कार्रवाई रोज ऐसे ही देखने को मिल रही है, और ये बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब से सरकार ने शपथ क्या ली है, शपथ लेने के बाद लगातार जो बुलडोजर की अगर हम बात करें तो लगातार बुलडोजर कहीं ना कहीं पे अपनी गाज गिरा रहा है। वहीं आज शाहजहांपुर के तिलहर विधानसभा की अगर हम बात करें, जो रोशनलाल वर्मा है पूर्व विधायक है, सपा के प्रत्याशी थे ये। उससे पहले 2017 में भाजपा के ही प्रत्याशी थे और भाजपा से इन्होंने विधायक भी थे ये। लेकिन जब इन्होंने 2022 में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी गए थे, और आपको बता दें वही रोशनलाल वर्मा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर गए थे, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो विधायक शामिल हुए थे समाजवादी पार्टी में उसमें एक विधायक ये भी थे। उसके बाद से लगातार आज से चार दिन पहले जो है इनकी जो बिल्डिंग थी, इनके जो खेत है, उनकी राजस्व टीम ने पैमाइश की बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के। जो रोशनलाल वर्मा के समर्थक है उनका कहना है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के आज बुलडोजर ने अपनी गाज गिरा दी है। अभी भी अगर हम सूत्रों की माने तो बुलडोजर अभी वहीं खड़ा हुआ है। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद, लगता है सूर्य अस्त होने के बाद, बुलडोजर अपनी गाज और भी ज्यादा गिराए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो आप ये लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और रोशनलाल वर्मा जो कि पूर्व विधायक है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वो खुद जुड़े हुए हमारे साथ। रोशनलाल जी, कार्रवाई लगातार जारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो जमीन है हमारा बेटा, एक बेटे की मृत हो गई है, पुत्र वधु है ऋषि वर्मा, उसके दो बेटे हैं। इस जमीन के अलावा उनकी एक इंच भी जमीन नहीं है। उनके पति खत्म हुए तो पत्नी के नाम विरासत आई, बच्चों के नाम विरासत आई। अगर हमारी अवैध बिल्डिंग है पुत्र वधु की, तो विधिवत नाप करानी चाहिए थी। हमारी बिल्डिंग एक लाइन्स बनी हुई है और 8-10 बिल्डिंगें बनी हैं, वो सरासर अवैध। मेरी बिल्डिंग में थोड़ा सा टुकड़ा निकल रहा था तो मुझे नोटिस देते अपनी बिल्डिंग हटा लीजिए। ये अगर नहीं, लेकिन 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 ये तो बात सामने आ रही है कि नाप हुआ है, और नाप में जो है वो कुछ जमीन एक्स्ट्रा आई है, और इसी के बाद एक्शन ये लिया गया है। नहीं तो उसका नोटिस तो एक बार देना चाहिए था, बताना चाहिए। जो हमारे परिवार वाले नाम में जा रहे थे उन्हें जाने भी नहीं दिया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है वो गलत तरीके से हो रही है, सरासर गलत तरीके से हो रही है। मेरा तो अनुरोध ये है, आपकी टीम पहुंच जाए, वो नंबर देख लिया जाए। सरासर गलत हो रही, बदले भावना हो रही, और वहां पर अन्य बहुत पूरी घाटा संख्या 333 पर पूरी बिल्डिंगे बनी खड़ी, हमारी मात्र जरा सी फंस रही थी। तो अगर कार्रवाई निष्पक्ष होती तो सबके खिलाफ होनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन ये बताइए वर्मा जी, कि जब आपने वहां पर जमीन देखी, उसके बाद आपने उस पर घर बनवाया, उसके दुकानें जो बनी है, तो क्या उस वक्त नाप में ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें सामने नहीं आई थी? देखिए, ये 10 साल पहले जमीन खरीदी गई थी। 10 साल पहले, ये करीब 2 साल तक, 1.5 साल तक धीरे 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 पैसे थे नहीं बहुत पास, धीरे धीरे बनी। तब ठीक थाने के सामने थी, अगर अवैध निर्माण हो रहा था तो उस समय क्यों नहीं रोका गया? और अगर हमारा थोड़ा सा टुकड़ा अगर पुत्र वधु का है उसमें गलत, तो पूरे पूरे मकान बने हैं। और मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिन लोगों का मकान है, वो विशेष लोग हैं।
इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब आप ये, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक विशेष पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। जी, और ऐसे में अगर ये लगातार ये कार्रवाई जारी रही तो फिर आप क्या कदम उठाने वाले हैं? भाई हम क्या करेंगे, हम तो लाचार हैं, मजबूर है, हमारी पुत्र वधू लाचार है, मजबूर है, वो बिचारी क्या करेगी? क्या परिवार में लोग कमजोर गरीब नहीं होते हैं? मजबूर है, उसके अलावा प्रशासन जांच कर ले, एक इंच भी जमीन नहीं है उसके नाम। अच्छा, अब ये भी हो सकता हम अपनी सच्चाई भी नहीं रख सकते हैं, सच्चाई रखें तो हो सकता और बड़ी कार्रवाई करें। सच्चाई रखने के लिए भी तो मजबूर हैं। लेकिन रोशन लाल जी, मेरा ये अनुरोध है, मेरा ये अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें स्वयं संज्ञान लें, क्या सच्चाई है क्या झुटाई है। यहाँ पर बदले भावना से लोकल स्तर पर और कुछ बड़े नेता किस तरीके से कार्रवाई करा रहे हैं, मेरी विनती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लें कि ये कार्रवाई गलत हो रही है सही हो रही है। लेकिन ये बताइए रोशनलाल जी कि मुख्यमंत्री ने तो पहले ही आदेश दिया गया कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या फिर कोई भी समुदाय से हो, कार्रवाई सबके लिए एक बराबर होगी। हाँ, तो मेरा यही तो अनुरोध है कि अगर वाकई कार्रवाई सबके ऊपर हो रही, जांच यहाँ पर निगोही की, मैं निगोही की जांच करा ले कि कम से कम 150-200 मकान निगोही के अंदर बने हुए हैं, अन्य लोगों को पूरा सबके ऊपर बने हुए हैं। तो यही तो मेरा कहना है कि मेरी विनती है आपके चैनल माध्यम से कि उच्च अधिकारियों की टीम गठित कराएं कि वाकई हमारी बात सही है अथवा गलत है। चलिए ठीक है रोशन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, आपने अपनी बात रखी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अधिकारियों की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर जमीन एक्स्ट्रा आई है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा और एक्शन लगातार लिया जा रहा है।